माइनक्राफ्ट गेम कितना पॉपुलर है सीरियसली, क्योंकि सच में यार बहुत जबरदस्त गेम है, लेकिन पेड गेम है तो 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस माइंड ब्लोइंग वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ऐसे 5 जबरदस्त गेम बताऊंगा जो बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट गेम की कॉपी है। और एक गेम तो ऐसा मिला है मुझे कि माइनक्राफ्ट गेम भी फेल है उसके सामने। सो फिर इसी बात इस माइंड ब्लोइंग वीडियो को एक लाइक करना तो बनता ही है, एंड अगर तुम्हें एंड्रॉइड गेम खेलना अच्छा लगता है ना तो मेरे जबरदस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1 पे माइनक्राफ्ट। अरे, मैं तुम लोगों को माइनक्राफ्ट गेम के बारे में क्यों बता रहा हूँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वेल देखो, गेम प्ले तुम्हारे सामने चल रहा है, तो क्या तुम लोग गैस करके मुझे बता सकते हो कि भाई इस वाले गेम का नाम क्या होने वाला है? क्योंकि भाई जब मैंने गेम को प्ले किया ना, तो भाई मुझे तो लगा कि भाई ये गेम माइनक्राफ्ट गेम ही है, बस गेम का नाम चेंज कर दिया है। तो इसलिए भाई मैंने डिसाइड किया कि इस वाले गेम के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। सो हमारे आज के पहले गेम का नाम है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। देखो भाई, इस वाले गेम में तुम लोगों को बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं, लाइक वैसे ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तुम लोग अपने एक्टर को कस्टमाइज कर पाओगे, एंड पता कमाल की बात क्या है भाई, माइनक्राफ्ट गेम में जो सबसे पॉपुलर मोड है ना, वन ब्लॉक सर्वाइवल, वो भाई तुम इस वाले गेम में देखने को मिल जाता है। तो भाई कितनी बढ़िया बात है ना, अब ऐसे जबरदस्त गेम मोड खेलने के लिए तुम लोग को माइनक्राफ्ट गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा देखो भाई, तुमको गेम में पहले से बहुत सारे वर्ल्ड बने हुए मिल जाएंगे जिनको तुम लोग चेकआउट करना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। एंड पता कमाल की बात मुझे इस गेम में क्या लगी है कि भाई देखो, माइनक्राफ्ट गेम में हम लोग इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि भाई अपने फ्रेंड के साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। तुम लोग को भाई सारे ब्लॉक देखने को मिलेंगे जो कि माइनक्राफ्ट गेम के अंदर है, तो अगर तुम लोग कुछ बनाने का मन करेगा ना तो तुम लोग सब कुछ यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि जो लोग माइनक्राफ्ट गेम को बाय करके पैसे खराब कर रहे हैं ना, वो लोग बेवकूफ है, क्योंकि भाई ये गेम बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट गेम की कॉपी है, सारे फीचर है, फ्रेंड के साथ प्ले कर सकते हो, और क्या चाहिए बताओ। नंबर 2 पे ब्लॉकक्राफ्ट 3D। भाई देखो, ये वाला गेम माइनक्राफ्ट गेम जैसा तो है, लेकिन इसे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि भाई बेसिकली ये गेम माइनक्राफ्ट गेम से इंस्पायर करके बनाया गया है, एंड इसलिए गेम प्ले में तुम लोग देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि हाँ भाई मैं माइनक्राफ्ट गेम को ही प्ले कर रहा हूँ। भाई ये गेम मुझ जैसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनको रेसिपी याद नहीं रहती कोई चीज बनाने की। लाइक माइनक्राफ्ट गेम में देखो, हम लोग हट बिल्ड करते हैं तो भाई हम लोग को स्पेशली डिजाइन करनी पड़ती है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, 2-3 घंटे लगते हैं तब जाके हम लोग एक बढ़िया सी बिल्डिंग या घर बना पाते हैं। लेकिन इस गेम में पता है ऐसा नहीं है, आप लोग को एक तरीके से ब्लूप्रिंट मिल जाता है, एंड बस आप लोग को ब्लॉक्स लगाते रहने पड़ेंगे, एंड आपका जो घर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मतलब ये उन लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए गेम सही रहेगा जिनको देखो नई नई बिल्डिंग्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। लाइक जैसे कि तुम लोग गेम प्ले में देख सकते हो कि भाई अभी मैं यहाँ पे वर्कशॉप बना रहा हूँ। अब यार इस वर्कशॉप को बनाने में बड़ा मुश्किल तो था, लेकिन वही बात है ना कि जैसे कि मैं तुम लोग देख पा रहे हो कि एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना हुआ है, बस मेरे को ब्लॉक लगाते रहने एंड मेरी जो वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाएगी। तो मतलब ये गेम माइनक्राफ्ट गेम जैसा तो है। इसके अलावा देखो भाई, गेम में जहाँ पर हम लोग को माइनक्राफ्ट गेम में अगर हम लोग को कैमरा व्यू चेंज करना होता है तो हम लोग को मेन्यू ओपन करना पड़ता है ना, इस वाले गेम में हम लोग भाई सिंगल टैप में ही अपना कैमरा व्यू चेंज कर सकते हैं। तो भाई ये भी चीज मेरे गेम में काफी ज्यादा अच्छी लगी है। नंबर 3 पे आइस क्राफ्ट। भाई इस वाले गेम में मोड ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, जैसे कि तुम लोग गेम प्ले में देख पा रहे हो कि यहाँ पर यार स्नोफॉल हो रही है। अगर तुम लोगों को माइनक्राफ्ट गेम के अंदर स्नोफॉल करनी है ना तो तुम लोग को अलग से मोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन भाई इस गेम में ऐसा नहीं है, ऑलरेडी मोड इंस्टॉल आता है। तो ये भी कितनी अच्छी बात है ना, अगर आप लोगों का मन कर रहा है कि नहीं यार मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विलेज है वहां पर स्नोफॉल हो, तो भाई तुम इस वाले गेम को प्ले कर सकते हो। अब यार देखो भाई, ये वाला गेम भी माइनक्राफ्ट गेम जैसा ही है, तो बिल्कुल वही सब तुम्हें देखने को मिलेगा जो कि माइनक्राफ्ट गेम में है। क्रिएटिव मोड के अलावा तुम लोग एडवेंचर मोड प्ले कर सकते हो, बट ये है कि यार ये वाला गेम तुम अपने फ्रेंड के साथ नहीं प्ले कर सकते हो, बट तब भी गेम को आपको प्ले करने के लिए इंटेंट ऑन रखना पड़ेगा। तो तौबा तौबा, ये प्रॉब्लम आने वाली कि जब तुम गेम को प्ले कर रहे होगे ना तो बीच बीच में ऐड आएगी। बट मुझे गेम में एक डिसएडवांटेज लगी है कि जहाँ भाई हम लोग को माइनक्राफ्ट गेम में बहुत सारे ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं ना, इस वाले गेम में इतने ब्लॉक्स नहीं है। तो हो सकता है कि जो तुम बिल्ड करना चाहो ना वो शायद तुम लोग बिल्ड ना कर पाओ, लेकिन तब भी मुझे गेम काफी अच्छा लगा है, पूरी तरीके से ऑफलाइन है। नंबर 4 पर है लोकीक्राफ्ट। सच में भाई इस वाले गेम के सामने तो माइनक्राफ्ट गेम भी फेल है, क्योंकि भाई ये गेम देखो पहले तो माइनक्राफ्ट गेम जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन इस गेम में आपको बढ़िया क्या मिलता है ना कि भाई इसमें HD टेक्सचर मोड पहले से इंस्टॉल आता है, ऊपर से फ्री भी है। तो भाई सच में मेरे से पूछोगे ना तो राइट नाउ भाई सबसे बढ़िया क्लोन जो है वो माइनक्राफ्ट गेम का, वो मैं लोकीक्राफ्ट गेम को ही बोलता हूँ। अब यार गेम में आप लोग क्रिएटिव मोड के साथ सर्वाइवल मोड देखने को मिल जाता है। क्रिएटिव मोड में देखो जो आप लोगों का मन करे वो आप लोग बिल्ड कर सकते हो, एंड सर्वाइवल मोड में देखो आप लोगों को माइनक्राफ्ट गेम की तरह सर्वाइव करना होगा, आपके पास कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होगा, रात होगी तो मॉब आपको मारने आएंगे तो उनसे आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा। बट गाइस मुझे गेम में एक चीज अच्छी नहीं लगी है जो कि मे बी
मे बी इस गेम का नेगेटिव पॉइंट भी है कि भाई गेम को हम लोग अपने फ्रेंड के साथ नहीं प्ले कर सकते, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है सुन के। लेकिन चिंता मत करो, तुम लोग का मूड मैं खराब नहीं होने दूंगा, बिकॉज हमारा आज का आखिरी गेम भाई कति जहर होने वाला है। तुम्हारा आज का आखिरी गेम है प्लेनेट क्राफ्ट। भाई इस वाले गेम का तो मैं फैन हो गया हूँ, बिकॉज भाई इस वाले गेम को मैं अपने फ्रेंड के साथ प्ले कर सकता हूँ, जो फ्यूचर मुझे पिछले वाले गेम में देखने को नहीं मिलता। बट देखो ये भी है कि भाई इसमें HD टेक्सचर क्वालिटी नहीं है, बाकी गेम देखने पूरी तरीके से माइनक्राफ्ट गेम जैसा लगता है। गेम में देखो भाई आप लोगों को बहुत सारे मोड देखने को मिल जाएंगे, लाइक क्रिएटिव मोड की बात करूं तो वहां पर अपने फ्रेंड के साथ आप लोग मिलकर कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। गेम में आप लोगों को बहुत सारी मिनी गेम भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये था कि भाई जिनके साथ फाइटिंग कर रहा था वो बोर्ड थे, शायद वो मुझे मार ही रहे थे, मैं अकेले अकेले मारा जा रहा था। बट अगर अपने फ्रेंड के साथ तुम लोग इस गेम के मिनी गेम्स प्ले करोगे तो तुम लोग सोच सकते हो भाई कितना ज्यादा मजा आने वाला है। वेल सबसे जबरदस्त एंड बढ़िया गेम बताया मैंने तुम्हें, सारे गेम ट्राई करना, मजा आ जाएगा खेल के। सो फिर जाने से पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आगे भी माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर वीडियो देखनी है तो। सो अब मेरी तुम्हें मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।